Hello friends, how are you all? Wishing you Happy New Year 2024 to all my lovely YouTube family. तो आज था साल का पहला दिन 1 जनवरी 2024 और हम लोगों ने केक कटिंग के सेलिब्रेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत की। सुबह में बाथिंग के बाद हम लोगों ने केक कटिंग का काम किया और ये है मेरे साथ क्यूटू, जिसे बहुत जल्दी थी केक काटने की। और केक कटिंग के बाद उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि कब उसे खाने को मिले। तो केक कटिंग के बाद हमें होना था जल्दी से रेडी, क्योंकि आज हमें जाना था पार्क। और आज हम लोगों ने सोचा था न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हम लोग पार्क में करेंगे, और हम लोग जा रहे थे अमृत पार्क, जो मेरे घर से 5 किलोमीटर पर थी और ये काफ़ी सुंदर पार्क है। तो चलिए मैं आपको पार्क ले चलती हूँ। तो ये है अपने पार्क के आउटडोर का व्यू, और इस पार्क का नाम अमृत पार्क है। और मेरे घर से इस पार्क का फेज नंबर 5 का एंट्रेंस नज़दीक पड़ता है। इस पार्क के बहुत सारे एंट्रेंस और फेजेस वाइज डिवाइड किए हुए हैं, पर मेरे घर का नियरेस्ट एंट्रेंस ये फेज 5 पड़ता है। और ये यहाँ का पार्किंग एरिया, सामने टिकट काउंटर, ये एंट्रेंस। राइट साइड में 2 व्हीलर्स पार्किंग की अरेंजमेंट थी और लेफ्ट साइड में सारे 4 व्हीलर्स के पार्किंग की अरेंजमेंट की हुई थी। और ये सामने चाट कॉर्नर एंड फूड कॉर्नर है। हेलो गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ पार्क के अंदर और मैं पार्क के अंदर का व्यू आपको दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जैसा कि आप मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हैं, आज के दिन न्यू ईयर के कारण काफ़ी भीड़ हो रखी थी पार्क में। और ये सामने कुछ कार्ड्स हैं और यहाँ पर मैं एंट्री गेट पर। तो ये है फेज नंबर 5 के एंट्रेंस का ओवरऑल व्यू। सामने बहुत ही सुंदर सा एक स्टैचू है। स्टैचू के पीछे एक बहुत सुंदर सा फ्लावर डेकोरेटेड एंट्रेंस बना हुआ था, जिसमें बहुत ही सुंदर सा प्लांटेशन किया हुआ था। और उसके आगे बहुत सुंदर सा वाटर फाउंटेन एक दिया हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे लोग फोटो ले रहे थे, क्योंकि ये काफी सुंदर लग रहा था। और मुझे पूरे पार्क की सबसे अच्छी बात ये लगी कि चारों ओर काफ़ी गार्डनिंग और बहुत सुंदर से इन्होंने डेकोरेशन की रखी थी और क्लीनिंग भी थी, जिसके कारण ये पार्क काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी भीड़ थी।
हेलो गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ किड्स प्लेइंग जोन में। इसकी एक टिकट की कीमत 75 रुपीज थी पर चाइल्ड, और मुझे यहाँ पे आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि साथ में मेरे किड्स भी थे, और बिना पार्क किड्स प्लेइंग जोन घूमे उनका दिन कंप्लीट नहीं होता है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे कि स्लाइडर्स, रोलर्स, जंपिंग जैंक्स एंड स्विंग्स। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो वो 2 to 3 hours वो इजीली यहाँ पर अपना टाइम निकाल सकते हैं, और मेरा इजीली यहाँ पर 2 to 3 hours चला गया। और मैं प्लानिंग करके भी आई थी कि बच्चों का फर्स्ट हाफ मैं बच्चों के लिए टाइम दूंगी और सेकेंड हाफ मैं खुद के एंजॉयमेंट एंड सेलिब्रेशन के लिए टाइम दूंगी। तो ये है कुछ पार्क का व्यू। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के वीडियो को मैंने 2 parts में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये है जिसमें मैंने थोड़ा सा एंट्रेंस एंड किड्स प्लेइंग जोन का कुछ दिखाया है क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 to 3 hours इजीली चला गया था, और सेकेंड पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूँगी कि मैंने न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में क्या क्या किया। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।